तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से पिवट टेबल लगाया जाता है, कैसे उसकी समरी होती है, वगैरह वगैरह। आज हम आपके साथ पिवट टेबल में बात करेंगे। किस तरीके से पिवट टेबल में ग्रुपिंग, शॉर्टिंग एंड मूविंग किया जाता है। हमारे पास एक डेटा है, हम यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ एक फाइल ओपन करते हैं पहले। हमारे डेटा है, इस पे हम पिवट लगाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टिंग का। जैसे कि मान लीजिए हमने स्टेट के हिसाब से क्वांटिटी का टोटल ले लिया हुआ है, अब इसको शॉर्ट करना है। तो मुझे आपको शॉर्ट इसकी फिगर्स मतलब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग करनी है, तो मैं वैल्यू के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, शॉर्ट ए टू जेड या शॉर्ट जेड टू ए कर दूंगा। मुझे अगर इसके अकॉर्डिंग अपने जो लेवल्स है लेवल्स के अकॉर्डिंग करना है, तो उसको यहाँ पे ए टू जेड एंड यहाँ पे जेड टू ए या इजली हम कर सकते हैं। अगर डेटा कॉलन में रखा हुआ है, जैसे मैंने प्रोडक्ट को कॉलन में रख दिया, तो मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से शॉर्ट करना है। किसी एक प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं टॉप 5 डीवीडी लेना चाहता हूँ, तो डीवीडी वाले कॉलम पे राइट क्लिक करूंगा, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये डीवीडी वाले आ जाएंगे पूरे के पूरे शॉर्ट होंगे। तो ऐसे हम टॉप टू डाउन किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं वैल्यू वाइज, या फिर हम कर सकते हैं लेवल वाइज। उसी तरह से आप कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हैं। हम कॉलम पे राइट क्लिक करते हैं और शॉर्ट करते हैं ए टू जेड, तो ए टू जेड तो ऑलरेडी शॉर्ट था ही, शॉर्ट करते हैं जेड टू ए, तो ये आपका देखिए जेड टू ए शॉर्ट हो जाता था। कॉलम वाइज अपने हिसाब से शॉर्ट हुआ है। तो शॉर्टिंग समझ में आ गई निकिता जी, अदिल जी, कोई यस सर। दिक्कत? हाँ, नहीं, शॉर्टिंग के बाद अब बात करते हैं मूव की। मूव अब जैसे देख, एक चीज ध्यान रखिएगा और शॉर्टिंग में एक चीज और की, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दो लेवल रखा है और मैंने यहाँ पे इसको किया शॉर्ट ए टू जेड, तो शॉर्ट सिर्फ हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा स्टेट जो है जहां है वहां ही पे रहेगा, समझे? तो सर अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, दोबारा बताना। बोला कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टू लेवल्स दे दिए, एक आपका ये हो गया हेरिकल, इसको बोलते हैं हेरिकल कर दिया हमने। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अगर प्रोडक्ट के हिसाब से शॉर्ट किया, तो मेरा प्रोडक्ट ही शॉर्ट होगा, मेरा जो स्टेट है वो स्टेट नहीं रहे शॉर्ट होगा, जो स्टेट जहां वही रहेगा, ठीक है? जैसे शॉर्ट जेड टू ठीक है। दिया हमने, तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये हमने एक पे किया, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट है सब शॉर्ट होंगे। ओके, शॉर्ट के बाद आता है मूव। अब शॉर्ट जब आप करते हैं तो अल्फाबेटिक या नंबर के हिसाब से अपने आप को पोजीशंस पे अरेंज करता है, लेकिन आपको अरेंज करना है मैनुअल। जैसे मैं चाहता हूं कि डीवीडी इन द टॉप, सेकेंड पोजिशन पे रैम, थर्ड पोजिशन पे सीडी, फोर्थ पोजिशन में एचडी, ऐसे हो, तो उस केस में आप मूव यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, मूव, यहां पे डीवीडी टू बिगनिंग, बिगनिंग में आ गया। अब मुझे इसके नीचे रैम रखना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां पे मूव बिगनिंग और फिर यहां पे राइट क्लिक करके वापस मूव एंड रैम, रैम नहीं डाउन, तो डीवीडी के बाद रैम आ गया। फिर ऐसे एचडी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? फिर ये तो सर लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना बहुत। हाँ, तो मैनुअली हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, मैनुअली अच्छा अरेंज करने के लिए ना। अच्छा
और यही पे आप नेम कॉलम है तो कॉलम के हिसाब से भी आप मूव कर सकते हो। तो मुझे बिगिनिंग में चाहिए तो उदय सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे कि आप रिपोर्ट बना रहे हो उसमें मैनेजर स्किप सबसे पहले रखना चाहते हो ना, उसके बाद रजिस्ट्रार हाँ रखना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास मैनेजर तो 5-7 ही होंगे ना, तो 5-7 ऊपर ला दीजिए, ठीक है। उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मूविंग समझ में आ ठीक गया, हमने शॉर्ट है जी। समझ लिया, मूविंग समझ लिया। अब बात करते हैं फिल्टर की। चलो फिल्टर कि हम फिल्टर कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टेट को मैंने यहाँ रख दिया, डेटा आ गया, मुझे इस पे फिल्टर चाहिए। तो फिल्टर दो तरीके की होती है, एक फिल्टर होती है आपका जो कि आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लगती है, दूसरी फिल्टर होती है जो आपका लेवल के अकॉर्डिंग लगती है। जब इस पे फिल्टर पे क्लिक करोगे आप तो आपके पास यहाँ दोनों दिखेगा, लेवल फिल्टर वैल्यू फिल्टर। लेकिन जो लेवल फिल्टर पे यहाँ पे चेक बॉक्स होंगे जिस पे आप क्लिक करना चाहे वही आपका यहाँ पे दिखेगा, जैसे नॉर्मल फिल्टर में होता है। लेकिन जब आप लेवल फील्ड पर जाते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि इक्वल डज नॉट इक्वल, बिगन विद डज नॉट बिगन विद, एंड विद डज नॉट एंड विद, कंटेन डज नॉट कंटेन, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हैं ना ये कंडीशंस होते हैं। अब इस कंडीशंस को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कंटेन होना चाहिए बी, तो जिस सिटी स्टेट के नाम में बी है वो आपका फिल्टर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल पंजाब एंड बिहार, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन इसी में आपको अगर वैल्यू पे चलते हो तो अब कंडीशन लगेगी इस पे, मतलब कि इसकी अमाउंट, इसकी फिगर पे, इसकी वैल्यूज पे। तो इसमें भी सारे कंडीशंस है कि इक्वल इज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन वगैरह वगैरह। इसमें आपका टॉप 10 है, हम टॉप 10 रख लेते हैं तो ओके करते हैं, तो हमारा टॉप 10 यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। ये रही हमारी रो फिल्टर। लेकिन अगर मुझे अगर सब फिल्टर करना हो तो जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट के नीचे हमने सेल्स मोड को रख दिया, अब मुझे फिल्टर करना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरा कर्सर अभी क्या है, सेल्स मोड पे है, तो फिल्टर में मेरा यहाँ पे देखिए मेरा फिल्टर अब सेल्स मोड के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन जैसे ही फिल्टर, जैसे ही कर्सर को हमने रख दिया कहाँ पे, स्टेट पे, अब मेरा फिल्टर यहाँ स्टेट के ऊपर लगेगा। तो जब आपके पास दो जैसे ज्यादा स्टेट हो तो फिल्टर लगाते समय कर्सर की पोजीशन को ध्यान रखें और उसके बाद फिल्टर लगाएं। लेकिन अगर आपने कॉलम ठीक है। किया है तो फिल्टर यहाँ कॉलम बाय, देखिए यहाँ पे एक आपका रो फिल्टर आ गया, ये आपके यहाँ पे कॉलम फिल्टर आ गया। आप कॉलम बाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और यहाँ पे भी सेम सीजन है कि वैल्यू फिल्टर और लेवल फिल्टर है। अब अगर मान लीजिए कॉलम में दो है, जैसे कि मेरा नेम को कॉलम रख दिया, सेकेंडरी रख दिया, तो अगर मेरे नेम पे कर्सर रख रखा है तो मेरा फिल्टर नेम बाइज लगेगा। अगर मेरा कर्सर हमारा इस पे सेल्स मोड पे है तो मेरा मेरा फिल्टर सेल्स मोड के अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर है सर? यस सर। अब इससे क्या, आपने अगर पिवट चार्ट लगा रखा है, मतलब कि पिवट में चार्ट को कंसीडर रखा है, तो आप फिल्टर लगाने के लिए जरूरी नहीं कि इस पे ही जाए, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, नहीं इसमें फिल्टर नहीं है, माफ कीजिएगा, पिवट फिल्टर में फिल्टर नहीं होता है, नॉर्म, हाँ सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा मैं गलत बोल दिया, आप फिल्टर पे डायरेक्ट फिल्टर लगा सकते हैं क्योंकि नॉर्मल चार्ट में फिल्टर यहाँ होता है, लेकिन पिवट चार्ट में जो आपका जो यहाँ पे जो है होता है फील्ड होता है, जैसे नेम हमने ले रखा है ये यहाँ पे नेम, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फिल्ट्रेशन वहीं पे दिख जाएगा। तो डायरेक्टली आप चार्ट से भी फिल्टर लगा सकते हैं। ओके तो आप फिल्टर, हमने तीन चार टॉपिक किया, हमने पहला किया शॉर्टिंग, ग्रुपिंग एंड हमने फिल्ट्रेशन। अब अगला टॉपिक हमारा आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जैसे कि मान लीजिए ना कि इसमें आपका उदय और आपका टीटू जो है एक ही ग्रुप में काम करते हैं, मतलब दोनों एक ही है, मतलब कि ये अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम। जैसे मान लीजिए कि ये सेल्स मैनेजर्स है, मान लीजिए
लेकिन टीटू एंड उदय का कोई सेल्स मैनेजर नहीं है, वो डायरेक्ट जीएम के अंदर में है। तो जहां मैनेजर के हिसाब से काउंट होता है, वहां इन दोनों का टोटल इकट्ठा काउंट होता है। तो इसके लिए दोनों को इकट्ठा करना है, तो क्या करना है, उनको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करते ही आप देखेंगे इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे नेम टू और नेम। तो नेम जो पहले आपने रखा हुआ था उसको यहां से आप हटा दीजिए, और यहां देखिए टी टू एंड रवि का इकट्ठा आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टीना प्लस, नहीं क्या नाम था इसका, उदय एंड टी टू। तो यहाँ पे नाम को चेंज कर सकते हैं उदय अब मैं यहां से, अब ये नाम ना दिखे इस तरह से, तो ये नेम वाले को मैं यहां से हटा दूं। इस तरह से हम टोटल कर सकते हैं, जितना सिलेक्शन करेंगे उतना ग्रुप कर सकते हैं, और एक से ज्यादा ग्रुप भी कर सकते हैं। एक ग्रुप हो चुका, मैं दूसरा ग्रुप करना है, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर दीजिए, ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा। तेथी टेक्स्ट की ग्रुप। अब बात करते हैं नंबर की ग्रुप पे, जैसे कि मैं इसको डाल देता हूं, मेरे पास क्वांटिटी का, हमने यहाँ पे सेल क्वांटिटी हम यहाँ रख रखा है, मैं वापस क्वांटिटी यहाँ पे रखता हूँ। अब इसमें क्या है कि हमारे कितने कितने क्वांटिटी सेल हुए, लेकिन मुझे एक बिटवीन चाहिए, जैसे कि मुझे ये पता करना है कि हमारी सबसे ज्यादा किस रेंज की क्वांटिटी सेल होती है, ताकि हम बॉक्स उसी हिसाब से बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, मैं मुझे पता चला कि हमारे 10 जो है 10 पीस ज्यादा ज्यादातर बिकती है, और हमने जो है 12 के ग्रुप 12 का बना दिया, तो क्या होगा कि मोस्टली हमारा क्या होगा कि 10 बिकेगा, 2 ऐसे स्टार आ जाएगा, अब बार बार मुझे बॉक्स को फाड़ना पड़ जाएगा। अगर हम 10 ही का ही ग्रुप बना, 10 का ही हमारा बॉक्स बना दें, तो हमें फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मोस्टली 10 ही सेल होता है, 10 लेके एक डिब्बा उठाएंगे और दे देंगे, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा पैकिंग भी बचेगा। तो इसके लिए हमें स्लैब चाहिए, तो स्लैब के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे ग्रुप हो गए। हम देखिए जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके डेटा से उठ के चला आएगा। इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको कर दिया 0 कि 0 से लेके 100 तक का ग्रुप दिखे, और 10 10 का ग्रुप हो, मतलब कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लेकिन इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो डालना चाहे अब डाल सकते हैं। फिलहाल मैं 10 ही रहने देता हूं। यूसुफ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ रह गए थे आज? तो सर आपकी वीडियो देख रहा था रात 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, डेढ़ घंटा सोया हूँ। तो यहां पे आप देखिए कि इस तरह से ग्रुप्स आपके आ गए। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, ग्रेटर लेस देन 0 है तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूं, ये रिटर्न में है सर। इसी तरह से डेट की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं आप, जैसे कि तो मैंने उठाया और डेट को यहाँ रख दिया, तभी तो आपका ये इस तरह से मंथली ग्रुप आ रहा है, लेकिन क्योंकि इससे बहुत सारे ग्रुप हम कर चुके हैं ऐसे आ रहा है, इसलिए अदरवाइज फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। अब मुझे इसमें मंथ वाइज टोटल चाहिए, क्वार्टर वाइज टोटल चाहिए, मंथ क्वार्टर दोनों चाहिए, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हो। देखिए ग्रुप करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा में किसी भी तरह का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए डेट के कॉलम में, अदरवाइज ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप क्या है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग, ये आपका एंडिंग, और ये आपका रहा मंथ, हमने मंथ वाइज ग्रुप कर लिया। मुझे मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमारा मंथ एंड क्वार्टर सेलेक्ट करके ओके कर लिया, तो ये हमारा मंथ एंड क्वार्टर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे इसको ग्रुप कर सकते हैं। अब इसका ग्रुप क्यों होता है पता है आपको, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मेरा डेटा है, मैंने मान नेम वाइज हमने प्रोडक्ट वाइज हमने एक टोटल कर लिया हुआ है, अब मुझे इस पे फिल्टर करना है, मंथ वाइज फिल्टर करना है, तो फिल्टर पेज फिल्टर, क्योंकि हमने दो बाकी फिल्टर तो पड़े, पेज फिल्टर की बारी है, डेट
हम डेट को अब पेज फिल्टर में रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे एक ही दिन इस तरह से आएगा। अगर मुझे महीना सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे एक महीना इस तरह से सिलेक्ट करके ओके करना होगा, तब जाके मेरा रिपोर्ट उस महीने के हिसाब से आएगा। फॉरन समझ में आया सर? तो उसी केस में हम क्या करते हैं कि डेट को लेते हैं, रो में रख देते हैं, और इसको हम राइट क्लिक करके ग्रुप पे जाते हैं और ग्रुप में सिर्फ मंथली ग्रुप कर देते हैं, और फिर इस डेट को उठाते हैं और फिल्टर में रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका मंथ वाइज आ रहा है, आप फरवरी चाहिए, जनवरी चाहिए, सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। यही नहीं, मुझे अगर सेल्स देखना है, 15-15 दिन का सेल्स देखना है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे जाऊंगा और मंथ की जगह पे डे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डे पे 15 दिन डाल दूंगा, एंड ओके करूंगा, तो मेरे पास 15 दिन का ब्रेकअप आ जाएगा। आएगा आप लोगों को सर? तो ग्रुप यस सर। आपको आज की टॉपिक में हाँ क्या किया, हमने आज टॉपिक में हमने सबसे पहले किया सॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टर एंड ग्रुपिंग। चार चीज समझ में आ गया? यस सर। चार के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए।